हेलो टुडे वी वील बी डूइंग क्वेश्चन नंबर फाइव फ्रॉम द वर्कशीट चैप्टर स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम क्वेश्चन इज अ मैन रन्स एट अ स्पीड ऑफ टेन किलोमीटर पर आर एक आदमी है जिसकी स्पीड है टेन किलोमीटर पर आर राइट वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम ही विल टेक टू कवर डिस्टेंस कितना है कितना डिस्टेंस कवर करना है सेवन मीटर्स ठीक स्पीड इज गिवन, डिस्टेंस इज गिवन, हमको यहाँ पे टाइम फाइंड आउट करना है राइट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड ठीक है डिस्टेंस हमेशा न्यूमिरेटर में रहता है चाहे कुछ भी आपको फाइंड आउट करना हो क्लियर है हेयर डिस्टेंस इज सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी मीटर्स एंड द स्पीड इज टेन किलोमीटर पर आर राइट अब क्या होगा ये आर ऊपर आ जाएगा ठीक तो ये कितना हो जाएगा सेवन फिफ्टी मीटर्स डिवाइडेड बाई टेन किलोमीटर दिस विल बी आर हेयर ठीक है क्योंकि डिनोमिनेटर था आर ऊपर आ जाएगा तो ये न्यूमिनेटर में आ जाएगा अब द प्रॉब्लम इज वी है मीटर्स एंड हियर वी हैव यूनिट एज किलोमीटर यहाँ पे वी हैव टू यूनिट्स ठीक तो इनको इक्वल करने के लिए वॉट विल डू हेयर इज रिलेशनशिप क्या है वन किलोमीटर इज इक्वल टू वन थाउजेंड मीटर्स वी नो दिस रिलेशनशिप तो हम इसी को फिफ्टी मीटर्स दिस इज आज वन किलोमीटर इज इक्वल टू वन थाउजेंड मीटर्स दैट मीन्स टेन किलोमीटर्स विल बी इक्वल टू टेन इन टू वन थाउजेंड मीटर्स ठीक है हमने क्या करा वन किलोमीटर वन थाउजेंड मीटर्स के इक्वल होते हैं बट यहां पर कितनी वैल्यू है टेन किलोमीटर्स तो हमने टेन को मल्टीप्लाई करा वन थाउजेंड से टू गेट द आंसर इन मीटर्स मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा क्लियर जीरो से जीरो हो जाएगा राइट दिस इज सेवेंटी फाइव आर्स डिवाइडेड बाय टेन एंड वन टू थ्री वन टू थ्री ठीक है ये वन थाउजेंड हो गया हे वी आर गेटिंग द आंसर इन आवर्स अगर हम इसको सिक्सटी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ठीक है तो आंसर किस में आ जाएगा मिनट्स में आ जाएगा क्लियर है और अगर हम फर्दर अगेन अगर सिक्सटी से करेंगे तो आंसर किस में आ जाएगा सेकेंड्स में आ जाएगा ठीक है क्लियर तो पहले हम इसको अच्छा चलिए सेकेंड्स में ही करके देखते हैं ये पहले हम मिनट्स में करते हैं इसको ठीक है मिनट्स में इसका आंसर करते हैं जीरो से ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएगा दिस विल बी इक्वल टू सेवेंटी फाइव इन सिक्स सिक्स फाइव जार थर्टी सिक्स सेवन जार फोर्टी टू एंड थ्री इज फोर्टी फाइव दिस इज फोर फिफ्टी बाई हंड्रेड मिनट्स सो दिस इज से जीरो दिस इज इक्वल टू फोर पॉइंट फाइव मिनट्स क्लियर है इसको अब हम फर्दर कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं फोर मिनट्स तो पूरा है होल नंबर है ठीक है आप अगर ये भी आंसर लिख दें तो दिस इज गुड इनफ यह ठीक है आंसर बट स्टिल यू हैव द आंसर इट द बैक ऑफ योर बुक इन मिनट्स एंड सेकेंड्स तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा फोर पॉइंट फाइव मिनट्स को हम कैसे लिख सकते हैं वी कैन राइट एज फोर तो पूरा ही होल नंबर है मिनट्स ठीक है इसको हम कैसे लिख देंगे फोर अगर हम मुझे इसे सिक्सटी में करना होगा तो हम क्या करेंगे इसको वन मिनट हैज गॉट सिक्सटी सेकेंड्स एक मिनट में सिक्सटी सेकंड्स होते ये आधा मिनट है ठीक है दिस इज पॉइंट फाइव मिनट दैट मीन्स ये कितने सेकेंड्स हो जाएंगे थर्टी सेकेंड क्लियर है सो दिस विल बी इक्वल टू फोर मिनट्स एंड थर्टी सेकेंड अगर आप ये भी करते हैं तो भी आंसर आपका ठीक है ठीक है क्लियर है वन मिनट हैज़ गॉट सिक्सटी सेकेंड्स यहाँ पे पॉइंट फाइव मिनट्स है दैट मीन्स आधा मिनट है तो so, आधा मिनट इज इक्वल टू थर्टी सेकेंड्स क्लियर है सो द आंसर इज फोर मिनट्स एंड थर्टी सेकेंड्स क्लियर नाउ विल मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज